प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJER। आज हम कक्षा शुरू कर रहे हैं। हमारी कक्षा आज की है कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 8 पैटर्न। आज हम ये प्रश्नावली समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। यह हमारा सवाल है पहला, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। इसमें आपके कुछ पैटर्न दे रखे हैं, इन पैटर्नों को हमें समझना है और उसी आधार पर पहला पैटर्न इस प्रकार का है, इससे आगे फिर इससे आगे इस पैटर्न को समझ करके हमें दो खाली बॉक्स दे रखे हैं। यह पैटर्न किस आधार पर चल रहा है, कैसे चल रहा है, इसको समझ करके हमें इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। देखिए, पहले इस प्रकार से, फिर हो गया ये, और उसके बाद हो गया ये। अब आगे क्या होगा, ये देखो इस प्रकार से रंग, ये वाला ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे हो गया, अब ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा, यानी इस प्रकार का हो जाएगा आगे। और इससे आगे क्या होगा, वापस ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये पैटर्न इस आधार पे हमने आगे बढ़ाया, ये इस प्रकार से घुमा, फिर आगे बढ़ाया, फिर ऐसे घुमा, फिर आगे बढ़ा दिया। ये हमारा पहला वाला पैटर्न इस प्रकार से हमने आगे बढ़ा दिया। अब इसमें एक दूसरा पैटर्न और दे रखा है, उसको भी समझ करके आगे बढ़ाना है। ये दो तीर दे रखे हैं ऊपर की ओर, अगले बॉक्स में दो तीर दे रखे हैं साम उस तरफ की ओर, फिर अगले बॉक्स में दो तीर दे रखे हैं नीचे की ओर, और दो बॉक्स खाली। हमें इस पैटर्न को समझ करके यह पैटर्न आगे बढ़ाना है। दो तीर ऊपर, फिर दो तीर उस तरफ, दो तीर नीचे, अब किधर होंगे, दो तीर इस तरफ हो जाएंगे और वापस कैसे हो जाएंगे, आप ऊपर गए, उधर गए, नीचे हुए, वापस इधर आए, और आप किधर हो जाएंगे, ऊपर की तरफ हो जाएंगे। यानी दोनों तीर अब कहाँ रहेंगे, ऊपर की ओर। ये पैटर्न हमने इस प्रकार से आगे बढ़ा दिया, समझ करके ये पैटर्न आगे बढ़ा दिया। तो ये दो पैटर्न हमने, ये वाला पैटर्न समझा, इसको आगे बढ़ाए, इस पैटर्न को समझा, इसको भी आगे बढ़ाए। अब एक पैटर्न इसमें और दे रखा है, वो भी हमें समझ करके आगे बढ़ाना है। एक बॉक्स है जिसमें यहां वर्ग, यहां त्रिभुज, यहां वृत्त और यहां आयत है। यहां क्या है, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और यहां आयत है। ये इसमें एक अगला बॉक्स दे रखा है जिसमें इनकी स्थिति बदल रखी है। अब यहां आपके वर्ग है, यहां त्रिभुज है, यहां वृत्त है और यहां आपका हो गया आयत। देखो आप समझो, ये वर्ग यहां था, वर्ग के बाद त्रिभुज, वृत्त, आयत, इस प्रकार से घूम रहा है वर्ग। अब ये यहां से आगे चला गया, इस वाले क्रम में वृत्त, वर्ग यहां हो गया, त्रिभुज, वृत्त और यहां आयत। इस प्रकार से ये पैटर्न एक एक स्टेप आगे बढ़ गया। इसमें एक बॉक्स और दे रखा है अगला, इसमें वर्ग यहां आ गया,
वर्ग के बाद त्रिभुज यहां हो गया, वृत्त यहां और आयत यहां हो गया। देखो वर्ग पहले यहां था, उसके बाद में त्रिभुज, फिर वृत्त और यहां आयत। अब ये वर्ग कहां हो गया? आगे वर्ग एक स्टेप आगे किसे गया, वर्ग, वर्ग के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद में वृत्त और यहां आयत। अब वर्ग यहां था, अब यहां आगे किसे गया इस वाले में, यहां वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और आयत। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ा। दो बॉक्स खाली दे रखे हैं, इनमें हमें इस पैटर्न के आधार पर ही आगे बढ़ना है। जो हमने इन तीनों पैटर्न को जैसे समझा, जैसे बढ़ रहे हैं उसी आधार पर हमें इन बॉक्स में भी ये आकृति अंदर वाली बनानी है। अब यहाँ वर्ग यहाँ है, अब हम वर्ग कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे वर्ग, हम यहाँ वर्ग बनाएंगे। वर्ग के बाद क्या था, त्रिभुज यहाँ हो जाएगा, त्रिभुज के बाद क्या है वृत्त, वृत्त यहाँ हो गया, और वृत्त के बाद क्या है आयत, आयत आपके यहाँ हो जाएगा। वर्ग, वर्ग के बाद त्रिभुज, वृत्त और आयत। अब यहाँ वर्ग हमने यहाँ बनाया, अब कहाँ बनाएंगे वर्ग, यहाँ बनाएंगे, इस कॉर्नर में आगे बढ़ा देंगे। ये वर्ग, वर्ग के बाद क्या है त्रिभुज, त्रिभुज के बाद क्या है वृत्त, वृत्त के बाद क्या है आयत। ये हमने पैटर्न इस प्रकार से आगे बढ़ाया, पैटर्न को समझा और उसे हमने आगे बढ़ाया। ये आपके सवाल नंबर पहला, नीचे दिए गए पैटर्न को समझकर आगे बढ़ाओ। हमने इस आकृति को समझा और हमने दो बॉक्स खाली वाले भरे, इस पैटर्न को समझा और दो हमने और भरे, इस पैटर्न को समझा और हमने दो वाले और भर लिए। ये आपके सवाल हो गया पहला। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, समझते हैं सवाल नंबर दूसरा। ये आपके थे चित्र वाले पैटर्न जो हमने समझे। अब अगला जो पैटर्न आपके वो संख्या वाला है, सवाल नंबर दूसरा। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ, नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को आगे बढ़ाओ। अब आपके संख्या पैटर्न है, इन्हें हमें आगे बढ़ाना है। इसमें सवाल नंबर पहला, 7, 12, 17 और 22 हमें ये पैटर्न आगे बढ़ाना है। दो संख्याओं तक हमें आगे और बढ़ाना है। इस पैटर्न को समझना है, इन संख्याओं को समझना है कि ये संख्या आगे किस प्रकार से बढ़ रही है, और उसी आधार पर हमें यहाँ आगे भी संख्या है उसी आधार पर बढ़ानी है। तो यहाँ समझेंगे हम, 7, 7 के बाद कितना हो गया 12, कितने जोड़े 12 हुए बताओ, 7 में कितने जोड़े, 7 में कितने जोड़े थे यहाँ पे +5, 7 और 5 जोड़े कितने हो गए 12, 12 में कितने जोड़े 17 हुए, 12 में 5 और जोड़े +5 और किए कितने हो गए 17, 17 में कितने और जोड़े 22 हो गए, 17 में भी +5 के कितने हो गए 22 हो गए। तो हम 5, 5 यहाँ जुड़ रहे हैं, 7 से 5 जुड़े 12 हो गए, 12 में 5 जुड़े 17 हो गए, 17 में 5 जुड़े 22 हो गए। इसी प्रकार से 22 में 5 और जोड़ करके अगली संख्या पता करेंगे। 22 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बताओ, 22 और 5 27, यहाँ हम क्या बनेंगे 27, 22 में 5 जुड़े कितने हो गए 27। अब 27 में वापस कितने जोड़ेंगे, 5, 5 जुड़ रहे हैं तो हम आगे भी 5 ही जोड़ेंगे, 17 में 5 और जोड़ेंगे, 27 में 5 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 27 और 5 32। ये हमारा पैटर्न आगे बढ़ गया, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 5 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5
32। ये आपके पैटर्न संख्या वाला पहला सवाल, दूसरे का जो पहला है ये हो गया। ये इसमें हमने समझ करके पैटर्न को आगे बढ़ाया। इसी में आपके सवाल नंबर है दूसरा, सवाल नंबर दूसरा, इसमें संख्या दे रही है 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40 इसी आधार पर हम पैटर्न आगे बढ़ाना है। यहाँ देखिए आप 10 में कितना जोड़ा तो 20 हुआ, ये तो आपको आसानी से समझ में आ रहा है। 10, 20, 30, 40 तो आगे क्या आएंगे 50 और 60। 10 10 जुड़ रहे हैं, 10 में 10 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 10 जोड़े 40, 40 में 10 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60। ये वाला पैटर्न भी आपके आसानी से हो गया। इसी में एक सवाल नंबर है तीसरा, संख्या पैटर्न में सवाल नंबर 3। ये देखिए 29, 24, 19, 14 29, 24, 19 और 14 इस पैटर्न को भी समझ करके हमें आगे बढ़ाना है। 29, 24 कम पढ़ रहे हैं, 29 में से कितने घटाए 24 आए, बताओ 29 में से हमने कितने घटाए तो 24 आए, 5 घटाए 29 में से 5 घटाए यानी माइनस हमने 5 किया। 29 में से 5 घटाए कितने आ गए 24, 24 में से कितने घटाए तो 19 आए, देखो 24 में से भी 5 घटा दिए तो आपके 19 आ गए, 19 में से कितने घटाए 14 है, 19 में से भी 5 घटाए तो आपके 14 आ गए। यहाँ आपके 5 5 घट रहे हैं, आगे भी आपको 5 घटा करें ही अगली संख्या पता करनी है। 14 में से कितने घटाएंगे हम 5, 14 में से हम 5 घटाएंगे कितने आएंगे बताओ 9, ये वाली संख्या आ गई आपके 9। अब 9 में से भी हम 5 घटा के अगली संख्या प्राप्त करेंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4, ये वाला भी आपके आसानी से हो गया। इसमें 5 5 घट रहे थे, पहले सवाल में 5 5 जुड़ रहे थे और इसमें 5 5 घट के अगली संख्या प्राप्त करनी है, ये वाला पैटर्न भी आपने आसानी से कर लिया। पहले में 5 5 जुड़ रहे थे, इसमें 10 10 जुड़ रहे थे और इसमें 5 5 घट रहे थे, तो आपकी संख्या हो गई 29, 24, 19, 14, 9 और 4, ये वाला पैटर्न भी हो गया आसानी से। चलिए अब इसमें एक सवाल और बच रहा है, पैटर्न पहचान करके हमें खाली स्थान भरने हैं या खाली जगह भरनी है, इसको मिटा दो। सवाल नंबर 3, पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। हमें पैटर्न पहचानना है और खाली स्थान भरना है। इसमें आपके दो सवाल हैं, इसका जो पहला सवाल है नीचे 4 बॉक्स है और उसके बाद में यहां ऊपर इन दोनों के बीच में एक बॉक्स, इन दोनों के बीच में एक बॉक्स और इन दोनों के बीच में एक बॉक्स, ऊपर आपके 3 बॉक्स हो गए। 3 के ऊपर यहां इन दोनों के बीच में एक बॉक्स और यहां इन दोनों के बीच में एक बॉक्स, 2 बॉक्स हो गए और ऊपर ऊपर एक बॉक्स है। अब यहां हमें लिखा हुआ 1, 2, 3, 4, यहां लिखा हुआ आपके 2 और यहां लिखा हुआ है 12। अब आपको बाकी के 1, 2, 3, 4 ये जो खाली स्थान है यहाँ पे आपको संख्या है भरनी है कि क्या आएगी, तो पहले इस पैटर्न को समझना है और उसके बाद में हमें खाली स्थानों को भरना है। देखिए यहाँ 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं, ये जो 2 आया ये दोनों बॉक्स हैं, इनका कॉमन है और ये वाला इन दोनों का कॉमन, यानी यहाँ पे आपके
इन दोनों बॉक्सों का एक बना रहता है, इन दोनों का एक बना रहा है, इन दोनों का यह एक बनेगा। यहाँ दो कैसे आए, दो एकम दो, दो का एक से गुणा किया तो यहाँ कितने आ गए, दो आ गए, दो एकम दो। और यहाँ बारह कैसे आए, तीन का गुणा चार से किया, चार किया बारह या तीन चौके बारह, ये आ गया। एक का गुणा हमने दो से किया कितना आया दो, और यहाँ तीन का गुणा किससे किया, चार से किया तो कितना आया बारह आया। यानी गुणे करके हमें यहाँ लिख रहे हैं, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा, इन दोनों का गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। पहले ये भरेंगे हम, दो का गुणा तीन से करेंगे कितना आएगा बताओ, दो इंटू तीन, दो तिया छः, छः का आएगा यहाँ, दो तिया छः या तीन दूनी छः, यहाँ आपके कितना आ गया छः आ गया। अब इसी प्रकार से हमें ऊपर भी बढ़ाना है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है और इन दोनों का गुणा करके हमें यहाँ लिखना है, क्योंकि ये गुणे से बन रहे थे तो हम इन दोनों का गुणा करके भी हम ये वाला स्थान भर देंगे और इन दोनों का गुणा करके हम ये वाला भर देंगे। छह का गुणा दो से करो, छह दूनी कितना हो रहा है, छह इंटू दो, छह दूनी बारह, हम कहाँ करेंगे यहाँ पर, छह दूनी बारह या दो छन बारह। अब यहाँ हम क्या करेंगे, छह का गुणा बारह से करेंगे, छह इंटू बारह, बार छन बहत्तर, बार छन कितना होता है बहत्तर, हम कहाँ भरेंगे यहाँ भरेंगे हम बहत्तर, बार छन बार छन बहत्तर, ये हमने भर दिया। अब यहाँ जो भरना है हमें इन दोनों का गुणा करके यहाँ भरना है, किन दोनों का गुणा, बारह और बहत्तर का गुणा करके हमें यहाँ लिखना है। तो ये अपन गुणा अपने यहाँ कर लेते हैं, बहत्तर इंटू बारह, बहत्तर का गुणा किससे करना है बारह से करना है। अपन दो का गुणा इन दोनों से कर लेते हैं, फिर एक का गुणा इन दोनों से कर लेंगे, दो दूनी चार, दो सत्ते चौदह हो गया, एक का गुणा हो गया, इसके नीचे अपन कुछ नहीं लिखेंगे। दूसरे तरीके का गुणा अपन शुरू कर रहे हैं, एक का गुणा दो से करेंगे, एक दूनी दो और एक सत्ते सात। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, चार चार और दो छः, एक और सात आठ, कितना आया आठ सौ चौंसठ, कितना आया आठ सौ चौंसठ। गुणा हम डायरेक्ट कर सकते, बार दो हजार चौबीस, बारह सौ चौरासी और दो छियासी, यानी आठ सौ चौंसठ। किन का गुणा किया हमने, बारह का गुणा बहत्तर से किया, तो कितना आया आठ सौ चौंसठ आ गया। तो ये वाला पहला सवाल आपके इस प्रकार से आपके हो गया कि ये गुणा करके जो हमने पैटर्न समझा था, एक का गुणा दो से करके यहाँ लिखा हुआ था, दो एकम दो, चार किया बारह, तो तीन दूनी छः हमने यहाँ लिखा, दो छंग बारह यहाँ लिखा, और बार छंग बहत्तर यहाँ लिखा, और बहत्तर बारह का गुणा किया था हमने आठ सौ चौंसठ यहाँ लिख दिया। ये आपके इसमें तीसरे का पहला सवाल हो गया। अब इसमें आपके तीसरे का दूसरा सवाल एक और है, ये भी आपके इसी प्रकार का है, सवाल नंबर इसका दूसरा, नीचे चार बॉक्स, फिर चार के ऊपर तीन बॉक्स, तीन के ऊपर दो बॉक्स और दो के ऊपर एक बॉक्स। ये आपके बॉक्स दे रखे हैं। अब इसमें संख्या का लिखी हुई है, यहाँ लिखी हुई सात आठ नौ और दस, और यहाँ लिखा हुआ है पंद्रह, और यहाँ लिखा हुआ है उन्नीस। अब ये पैटर्न संख्या हमें लिखी हुई है, बाकी की हमें लिखनी है। तो आप इसको समझेंगे कि यह कैसे आई, सात आठ नौ दस ये लिखा हुआ है, इन दोनों का यहाँ लिख रखा है, यहाँ क्या कर रहा था, सात में आठ जोड़ के पंद्रह लिख रहे हैं, सात में आठ जोड़े कितने हो गए पंद्रह, यहाँ जोड़ इधर गुणा था इस वाले में, और इसमें क्या कर रखा है, सात और आठ को जोड़ा कितना हुआ पंद्रह, और यहाँ नौ और दस को जोड़ा कितना हुआ उन्नीस, यानी ये योगफल वाला है, दोनों का योगफल यहाँ, इन दोनों का यहाँ। तो हमें इन दोनों का योगफल कहाँ लिखना है, इस वाले बॉक्स में लिखना है, आठ और नौ को जोड़ेंगे कितना हो रहा है, आठ और नौ को जोड़ो सत्रह, आठ और नौ जोड़ेंगे कितना होगा सत्रह, तो हम कहाँ लिखेंगे
यहाँ अपन इस बॉक्स में 8 और 9 को जोड़ा कितना हुआ 17 हमने यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार से मैं अब ये वाला हो गया, अब इन दोनों की जोड़ा में यहाँ लिख दिया और इन दोनों की जोड़ा में यहाँ लिख दिए, यहाँ हम लिखेंगे 15 और 17 की जोड़ लिखेंगे, 15 और 17 की जोड़ हम यहाँ लिखेंगे। 7 × 5 कितना हो गया 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 1 2 और 1 हासिल लगा कितना हो गया 3, कितना हो गया 32। हम क्या लिखेंगे इस वाले बॉक्स में, हम लिखेंगे 32। अब इस वाले बॉक्स में 17 और 19 जोड़ के लिखेंगे, तो ये दोनों बॉक्स वाले जोड़ के हम यहाँ लिख रहे हैं, 17 और 19 को जोड़ के हमें अगला वाला काम करना है। 7 और 9 कितना हो गया 16, 7 और 9 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 1 2 और 1 हासिल का 3, यानी कितने हो गए आपके 36, वो हमें यहाँ लिखने हैं। 15 और 17 32 हमने यहाँ लिखे, ये वाले दोनों की जोड़ यहाँ लिखी, 17 और 19 इन दोनों की जोड़ हमें यहाँ लिखनी है 36। इसी प्रकार से अब हमें आगे बढ़ना है, इन दोनों की जोड़ हमें इस वाले बॉक्स में लिखनी है, यहाँ कितना 32 और यहाँ है 36, 32 और 36 दोनों की जोड़ हमें इस ऊपर वाले बॉक्स में लिखनी है। 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 और 3 6 कितना आया 68, तो हमें यहाँ लिखना है 68। इस प्रकार से ये योगफल वाले थे, तो हमने दो दो बॉक्स का योग करते हुए आगे वाली पूर्तियाँ कर ली। इस प्रकार से हमारी ये प्रश्नावली 8 पैटर्न वाली जो थी उसमें जो 3 सवाल थे, पहला था आपके चित्र वाले पैटर्न वो हमने समझे, फिर दूसरा था आपके अंकों वाले पैटर्न संख्या वाले पैटर्न वो भी हमने कर लिया, तीसरा था इस प्रकार के बॉक्स वाले कौन सी क्रिया हो रही है, गुणे वाली हो रही है या जोड़ वाली हो रही है, ये समझ करके हमने ये वाला भर लिया। तो इसके आप अभ्यास कीजिए और इनको समझिए। थैंक यू, आपने जो हमारा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपके दोस्तों तक, मित्रों तक, यारों तक हमारे वीडियोस अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।